सनातनी लोग इसका प्रदर्शन करेंगे और सरकार को चेताएंगे कि ये जो अधर्मी कार्यक्रम लोग बाग कर रहे हैं उनको रोका जाए, नहीं तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। मुकेश भार्गव जी नमस्कार, आप राष्ट्रीय परशुराम परिषद के महासचिव हैं। अभी जो राजस्थान में घटना हुई है बहुत ही संवेदनशील घटना है, जिसमें भगवान परशुराम का मंदिर तोड़ दिया गया, मूर्ति खंड खंड कर दी गई, क्या कहना चाहेंगे उस विषय पे आप? अभी विगत 3-4 दिन पूर्व की ये घटना है उदयपुर के गोकुंदा थाना क्षेत्र की। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि असामाजिक तत्वों द्वारा इस मंदिर को खंडित किया गया, जो कि ब्राह्मण समाज की भावनाओं पर आघात है। इस तरह की गतिविधियां पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान के अंदर, राजस्थान सरकार की उदासीनता है इन विषय पे। पीछे भी इस तरह की कई घटना हुई, उसके अंदर दोषियों को के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, ना उनको आइडेंटिफाई किया गया। हमारा परिषद का की मांग राजस्थान सरकार से, पुलिस से ये है कि दोषियों को चिन्हित करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लगातार आप ये मांग तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब जो ब्राह्मण समाज है या राष्ट्रीय परशुराम परिषद है, ये इसको आंदोलन बनाएगी, कोई मुहिम चलाएगी, या सिर्फ मांग करते रह जाएंगे आप लोग? देखिए, कोई अगर हमारी मांग पर उचित कार्रवाई हो गई जिससे परिषद के कार्यकारिणी संतुष्ट है तो एक बात अलग है, अदरवाइज हम लोग जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो राजधानी जयपुर में भी जाकर पूरा सनातन कर रहे हैं उनको रोका जाए, नहीं तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। राजस्थान सरकार पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वो एक वर्ग विशेष के साथ भेदभाव करती है और एक वर्ग विशेष के उत्थान के लिए काम करती है, ऐसा आरोप लग रहा है, आपका क्या मानना है और आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा मानना यह है कि राजस्थान सरकार जो है राजधर्म से भटक गई है और उनका हम इस तरफ के ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि वो अपने राजधर्म को निभाएं, जैसा कि सरकारों का दायित्व होता है जनता के जनता की जान माल की सुरक्षा और भय मुक्त वातावरण देना सरकार का प्राथमिक कार्यक्रम होता है। देश में फंडामेंटल राइट है हमारा धरना प्रदर्शन करने का या विरोध करने का, हम एजिटेशन कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से धार्मिक गतिविधियां हो रही हैं या धार्मिक रंग दिया जाता है किसी भी चीज़ को, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे मूर्ति तोड़ी गई है, फोटोज में भी ये आ रहा है और वीडियोस भी आए हैं काफ़ी, तो इसको भी किसी धर्म विशेष का एंगल दे दिया जाएगा, तो क्या ये असामाजिक घटना है या किसी धर्म विशेष पर प्रहार है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये एक जांच का विषय है, उसके लिए सरकार के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजेंसियां हैं, हम यही मांग करेंगे कि एजेंसियां अपना काम करें और दूध का दूध और पानी का पानी करें, और इसके अंदर अगर कोई विशेष वर्ग या कोई सरकार के पार्ट पर कमी है तो उसको वो क्लियर हो जाएगा, और नहीं तो इसके परिणाम बहुत दूरगामी है। सनातन धर्म के लोग बुरी तरीके से आहत हैं ऐसी घटनाओं को